हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न इजी इंग्लिश लैंग्वेज। मैं आपका दोस्त अबूज़र आज आपके लिए सिनोनिम्स का पार्ट 3 लेकर हाजिर हूँ, जो कि हर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और आपकी वोकेबलरी को भी बूस्ट करेगा। चलिए देखते हैं। पहला वर्ड है ब्रेव। ब्रेव कहते हैं बहादुर को, यानी वीर जो होते हैं। उसका जो सिनोनिम होगा बोल्ड, यानी निडर। फियरलेस हो जाएगा इसी तरह वैलियंट, करेजियस, इसी तरह गैलेंट भी हो जाएगा। सबके माने क्या है? बहादुर या वीर के, निडरता के। ठीक है, दूसरा वर्ड देखते हैं ब्रीफ। ब्रीफ के माने संक्षिप्त, यानी थोड़ा बहुत, जिसको हम कहते हैं शॉर्ट। इसी तरह उसका हो जाएगा कंसाइस, टर्स हो जाएगा, कंडेंस्ड भी कह सकते हैं हम इसको, कम्पैक्ट। ठीक है, सबके माने क्या होगा? संक्षिप्त यानी मुख्तसर, जिसको हम कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं बिल्ड। बिल्ड के माने बनाना। ठीक है, किसी चीज़ को बनाना, उसको हम कह सकते हैं मेक कह सकते हैं, यानी बनाना। कंस्ट्रक्ट यानी जब कोई घर वगैरह हम बनाते हैं उसको क्या बोलते हैं? कंस्ट्रक्शन। ठीक है, कंस्ट्रक्ट हो जाएगा इरेक्ट। इसी तरह रेज हो जाएगा, इसको हम फ्रेम भी कह सकते हैं, और इसको एक और वर्ड के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं जिसको हम कहते हैं फैब्रिकेट। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड देखते हैं बिज़ी। बिज़ी यानी मशगूल, व्यस्त। ठीक है, इसका जो होगा एम्प्लॉयड होगा, इंगेज्ड, ऑक्यूपाइड, इंग्रॉज्ड, एब्जॉर्ब। ठीक है, एब्जॉर्ब यानी किसी काम में मगन होना, बहुत ज़्यादा उसमें बिज़ी हो जाना, उसको बोलते हैं एब्जॉर्ब। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं कैंडिड। कैंडिड यानी निष्कपट, जो बात को खरीद तौर पर बोलता है। ठीक है, जिसके अंदर कोई छल कपट ना, उसको बोलते हैं कैंडिड। इसका हो जाएगा फ्रैंक, आउटस्पोकन, ब्लंट, स्ट्रेट फॉरवर्ड, इसको हम सिंसियर कह सकते हैं, यानी बहुत सच्चा। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं कैप्चर। कैप्चर कहते हैं पकड़ने को। इसका हो जाएगा सीज, एप्रहेंड, अरेस्ट, ट्रैप, ग्रास्प, स्नेयर। सबके माने क्या है? पकड़ना। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड देखते हैं चैम्पियन। चैम्पियन कहते हैं समर्थक, यानी जो हामी होते हैं किसी शख्स के, उसको बोलते हैं। सपोर्टर, डिफेंडर, प्रोटेक्टर, इसको हम एडवोकेट भी कह सकते हैं। ठीक है, सबके माने क्या है? हामी या समर्थक के होते हैं। इसी तरह नेक्स्ट वर्ड है चेस्ट। चेस्ट यानी पवित्र, यानी बहुत ज़्यादा पाकीज़ा, जिसको हम बोलते हैं। क्लीन हो जाएगा, प्योर हो जाएगा, अनडिफाइल्ड हो जाएगा। इसी तरह वर्चुअस। आखिरी वर्ड है पायस, यानी पवित्र। नेक्स्ट वर्ड है क्लेवर। क्लेवर यानी चालाक, इसको हम कह सकते हैं क्राफ्टी, श्रीउड, ट्रिकफुल, कनिंग। ठीक है, सबके माने क्या है? चालाक के होते हैं। नेक्स्ट वर्ड है कमेंड। कमेंड कहते हैं प्रशंसा करना, यानी तारीफ करना। इसका जो सिनोनिम है प्रेज हो जाएगा, एडमायर हो जाएगा, अप्लॉड, अप्रूव। ठीक है, सबके माने क्या है? प्रशंसा यानी तारीफ करना। नेक्स्ट वर्ड है कंसील। कंसील के माने छिपाना किसी चीज़ को, तो हो जाएगा हाइड, वेल, श्राउड। श्राउड तो वैसे कहते हैं कफन को, लेकिन उसके माने छिपाना भी आता है। ठीक है, अगर वर्ब इस्तेमाल होगा। इसी तरह डिसगाइज, कवर। ठीक है, सबके माने क्या है? छिपाना। नेक्स्ट वर्ड है कंसर्न। कंसर्न कहते हैं चिंता, यानी बहुत ज़्यादा फिक्र करना किसी की। इसके एक और माने हैं संबंध, यानी रिलेशन के आते हैं। ठीक है, तो चिंता क्या हो जाएगा? सिनोनिम एंग्जाइटी, वरी, ईगरनेस, इसको हम केयर भी कह सकते हैं। ठीक है, अगर रिलेशन से ताल्लुक़ होगा तो कंसर्न का फिर दूसरा हो जाएगा सिनोनिम। ठीक है, इसी तरह होगा कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट का जो सिनोनिम है, यानी जिसको हम कहते हैं संघर्ष। ठीक है, फाइट हो जाएगा स्ट्राइफ, क्लैश, कोलिजन,
कंटेस्ट, कम्बैट, सबके माने क्या है, संघर्ष करने के आते हैं, ठीक है। लास्ट वर्ड देख लेते हैं, कंकर। कंकर के माने जीतना, यानी विजय प्राप्त करना। इसका जो सिनोनिम है विन, ट्रायम्फ, वैंग्विश, ओवरकम, सबड्यू, इसको हम सबजुगेट भी कह सकते हैं, ठीक है। सबके माने क्या है, जीतने के होते हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।